मैं स्वीटी शर्मा, देवेंद्र चौहान की रिपोर्ट। खूनी वारदात से सहमा सुंदरनगर। मंडी जिला के सुंदरनगर शहर के बीचों बीच भोजपुर बाजार में देर रात करीब 12 बजे एक हत्या का मामला सामने आया है। मामले में हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षु ने अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की के घर में घुसकर उसकी दादी का खून कर दिया। वही इस घटना में युवती भी बाल बाल बच गई। सूचना मिलने पर स्थानीय लोग वही बड़ी संख्या में मौके पर इकट्ठे हो गए, जिन्होंने युवक को घर में एक लेटर के साथ पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। युवक और युवती एक ही हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में पढ़ते थे। सूचना मिलने पर डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार तथा थाना प्रभारी कमलकांत मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। युवक को स्थानीय लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। घायल दादी को उपचार के लिए मौके से नागरिक अस्पताल पहुँचाया गया है, ठीक उसी प्रकार जहाँ जाँच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बीच बाजार में हुई इस घटना पर स्थानीय लोगों में भारी शेष है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कानून कार्रवाई की मांग की है। मामले में एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने शुक्रवार को मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। ये कल जैसे कि भोजपुर बाजार में एक हत्या का मामला पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। इसमें धारा 302 307 में मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें फर्दर छानबीन चल रही है। फॉरेंसिक की टीम भी मौके का मुलाहिजा भी करेगी और हम लोग भी पुलिस की टीम जो है वो विटनेसेस और जो भी लोग इसमें पाए गए हैं जिनकी संलिप्तता, उसमें हम अभी छानबीन कर रहे हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही इसमें कुछ आगे कहा जा सकता है। इसमें क्योंकि जैसे मैंने कहा इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो अभी फ़िलहाल फर्दर क्वेरीज को एड्रेस नहीं किया जा पाएगा। थोड़ा कन्फर्मेशन हो जाए और हमारी छानबीन पूरी हो जाए उसके बाद डिटेल्ड प्रेस ब्रीफ इसमें हम देंगे। ये भी जैसे मैंने कहा ये कन्फर्म्ड हमारी छानबीन के बाद ही इसमें फर्दर एक डिटेल्ड जानकारी प्रेस के माध्यम से हम शेयर करेंगे।